आपका प्रोजेक्ट परिवर्तन तो मैं टेक ओवर कर चुकी हूँ, अब कल देखना मैं क्या करती हूँ। नीति बड़ी खुश हो रही है, उसको लग रहा है कि भाई फिंगरप्रिंट तो मैच कर जाएंगे, यहाँ पर परी का सच सामने आ जाएगा और मैं राजीव के संग शादी कर लूंगी। संजू नहीं, आज तो मुझे चुप नहीं करवाओगे, तुम्हें नहीं पता है ये कितना घटिया खेल खेल रही है। बहुत बोल ली तुम, अब मेरी बात सुनो। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर, भाई अंबिका और परी मिलके उसी को पागल बना देते हैं और हम देख रहे हैं कि भाई जिस लैब से उसने, मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हारा घर छोड़ रहा हूँ। रिपोर्ट्स कराए थे वो तो ये बोलता है कि रिपोर्ट्स मैच ही नहीं कर रहे, मतलब फिंगरप्रिंट्स मैच ही नहीं कर रहे, यहाँ पर तो ये परी की नहीं किसी और के। ये सुन के नीति के होश उड़ जाते हैं और नीति क्या करती है फिर अपना एक एक्सपर्ट बुलाती है यहाँ सामने सबके सामने और अब तू मेरे सामने यहाँ पर फिंगरप्रिंट करा और देखती हूँ मैं कि कैसे मैच नहीं करता, और यहाँ पर वही करती है और भाई मैच नहीं करता है। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हमें तो पता है ना परी है तो फिंगरप्रिंट्स कैसे मैच नहीं करे। यहाँ पर परी क्या करती है, परी ने अपना अंगूठा जला के रख लेती है और उसको भाई पता ही था ना कि नीति कुछ ना कुछ तो चाल चलेगी, यहाँ पर अपने सामने भी करवा सकती है, उसने ना भाई पहले से अपना हाथ जला के रख लिया था कि जिससे कि मैच ना करेंगे फिंगरप्रिंट्स, और यहाँ पर यही होता है। अब राजीव तो बहुत गुस्सा कर रहा है और राजीव नीति को सुना रहा है और बोल भी रहा है कि भाई तुमने मेरे को बर्बाद करके रख दिया, तुम्हें पता है ना कि मेरा परिवर्तन भी चला गया मेरे हाथ से। और यहाँ हमको पता ही है ना कि परिवर्तन भाई परी और राजीव का सपना था। यहाँ पर परी एक ऐसी ट्रस्ट खोलना चाहती थी जिसमें भाई जो मदद कर सके वो ऑर्फन लोगों की, जो अनाथ है, जो बूढ़े हैं, तो अब उसका ये सपना तो टूट गया है। तो बहुत गुस्से में है यहाँ पर राजीव, और राजीव और गुरविंदर और सारे लोग भाई घर छोड़ के जा रहे हैं और नीति को समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे मनाऊं राजीव को, क्योंकि यहाँ पर तो अब वो ये प्रूफ कर ही नहीं पाई है कि परी है। आने वाले एपिसोड में देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर भाई परी का सच आएगा भी है सामने नहीं, क्योंकि अब यहाँ पार्टी होने वाली है और अंबिका और परी मिलकर ना पार्टी कर रहे हैं परिवर्तन के लिए।